बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। कोरोना का इतना खौफ है और व्यवस्था ऐसी है कि कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कोविड सेंटर में पहुंचा मरीज कैसा है, उसे कोई परेशानी अथवा दिक्कत तो नहीं, उसका सही से इलाज हो भी पा रहा है अथवा नहीं, ये वो तमाम सवाल हैं जो उन लोगों के दिलो दिमाग में बसे रहते हैं जिनके परिजन को स्वास्थ्य सेवाओं के हवाले छोड़ा गया होता है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का बुरा आलम रहा है, यह बात किसी से छिपे नहीं है। एक बार फिर एक परेशान बेटे का वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने पिता की खैर खबर जानने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, परेशान हो रहा है और दया की भीख मांग रहा है। दरअसल बागपत निवासी कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाने पर मेडिकल कॉलेज में 7 जुलाई को भर्ती कराया गया था। बीते दिवस उनके बेटे अरविंद गोयल ने अपनी परेशानी व फरियाद से जुड़ा एक वीडियो वायरल किया है, आइए देखते हैं वीडियो। भाई लोगों, मेरा नाम अरविंद गोयल है और मैं बागपत का रहने वाला हूँ। 7 तारीख को मेरे परिवार के कुछ लोग पॉजिटिव हुए थे, जिसमें मेरे मम्मी पापा को 7 तारीख को मेडिकल में भर्ती किया गया था, जबकि वो नॉर्मल पोजीशन में थे, बिल्कुल नॉर्मल ही गए थे, कोई उनको सिम्टम भी नहीं थे। जिसमें कि 16 तारीख को मम्मी का टेस्ट हुआ, पापा का भी टेस्ट हुआ, जिसमें मम्मी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और उनको 17 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन 16 तारीख की रात से ही हमारे पापा को दस्त लग गए। दस्त लगने के बाद उनकी स्थिति ये हो गई कि वे जो है हिल डुल भी नहीं पा रहे थे अपनी। एक दो दिन उनसे बात होती रही, वो कहते रहे बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, मुझे यहाँ से निकाल ले। अब दो दिन से पोजीशन ये है कि ना वो फ़ोन उठा पाते हैं, ना उनका कुछ अता पता है। वे मेडिकल के वार्ड D2 बेड नंबर 28 पर है। उनका नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं उनका बड़ा बेटा अरविंद गोयल बोल रहा हूँ। 3 दिन हो गए मुझे चक्कर काटते हुए, सभी डॉक्टर आश्वासन दे देते हैं नहीं ठीक है चाहे ठीक है, लेकिन कोई भी उनकी स्थिति नहीं बता रहा कि उनकी पोजीशन क्या है। उनके पास जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे, और बस ये समझ लो हमारा हमारे परिवार का इतना बुरा हाल हो रहा है कि जिसके कोई हिसाब नहीं। रात भी उनके पास में ही एक कोरोना का पेशेंट है हमारा, उससे संपर्क हुआ बेचारे ने, उसने बहुत हेल्प करी। रात भी वो सोते सोते पलंग से गिर गए, गिरने के बाद वो गया वहाँ पे स्टाफ के पास, गया बोला कि भाई ऐसे ऐसे जो है वो कल जी गिर गए हैं, उनको उठवा दो। उन्होंने लैट्रिन भी कर ली, उनको दिखना बंद हो गया, यानी कि यहाँ से जो बंदा ठीक ठाक गया वहाँ पे जाके उनको दिखना भी बंद हो गया, उनकी आँखों की रोशनी चली गई। उनकी स्थिति यह है कि वो उठ के एक गिलास पानी नहीं ले सकते। 3 दिन हो गए उस लड़के से पता चला कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है। जब डॉक्टर्स को पता चला कि ये लड़का इनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको भी हरासमेंट करने लगे, उसको धमकी देने लगे कि तू अगर इनकी रिपोर्ट बताएगा तो जो है हम तेरी रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने देंगे। भैया मेरी प्रशासन से मेरा अनुरोध है, मीडिया वालों से अनुरोध है कि जो है इसमें कुछ कार्रवाई करें। मैं अभी भी मेरठ ही जा रहा हूँ, तो कोशिश करो जब तक मैं पहुँचूँ ये वीडियो प्रशासन पे पहुँचे, वे सुनवाई करें, कम से कम मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कॉल कराएं, उनको पता चले, मैं देख तो लूँ है कैसे। मैं इस टाइम बहुत उम्मीद छोड़ चुका हूँ, मैं कल 2 दिन से मैं कुछ नहीं कहा, मैं परेशान हो रहा, मैं इधर उधर जा जाए कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब आश्वासन दे देते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, किसी ने ये भी नहीं दिखाया कि वे हैं कैसे, वे हैं भी नहीं, ये कहा है। मेरी बहुत भाई बस निवेदन है ये कि इस वीडियो को शेयर करें और उनका इलाज ठीक से, बस ये आपसे भी रहे। जय हिंद।
यह भी जानकारी में आया है कि जिला मेरठ अस्पताल में लगी कोरोना जांच के लिए ट्रूनेट मशीन खराब हो गई है। इसे लगे अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि यह खराब होने लगी है। समझा जा सकता है कि मेरठ में कोरोना संक्रमितों की जांच किस तरह से और कैसे हो पा रही होगी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।